दिख रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया है। इसी क्रम इसकी दूसरी लहर से भारत के लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 19 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य सरकार और प्रशासन का संदेश स्पष्ट है, लोग घरों में रहें ताकि इस वायरस के प्रकोप से बच सके और इसकी लगातार बढ़ती श्रृंखला को तोड़ा जा सके। समाज का एक बड़ा वर्ग जो अपने दो वक्त के भोजन के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, उनके सर पे तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया है। इन लोगों ने अपनी कमाई का सारा साधन खो दिया, ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है दो वक्त का भोजन के जुगाड़ की। व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और महामारी कब खत्म होगी इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में भी लोग जिनके सर पर छत नहीं है और आम दिनों में भी जिनको दो वक्त का भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनकी कमाई के सारे जरिए समाप्त हो गए हैं और यह लॉकडाउन उनके लिए बहुत ही तनावपूर्ण समय बन गया है। इन सब में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, झुग्गी झोपड़ी और बेघर लोगों सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी क्रम में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन उड़ीसा के सुंदरगढ़ इकाई के सदस्यों एवं पत्रकारों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह संकल्प लिया कि शटडाउन से शहर में कोई भी खाली पेट न सोए। इसके तहत वे रोरकेला एवं आसपास के इलाकों के दिहाड़ी मजदूरों, झुग्गी वासियों और बेघर लोगों को पका हुआ भोजन और मास्क प्रदान किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने 200 से अधिक भूखे लोगों को खाना खिलाया और वायरस की लड़ाई में अहम हथियार मास्क और सैनिटाइजर बांटे। लॉकडाउन समाप्त होने तक इस सामाजिक सेवा को जारी रखने की बात कही है। एसोसिएशन के एक सदस्य के घर में ही रसोई स्थापित की गई है और खाना पकाने का काम श्री धनेश्वर दास के देखरेख में एक टीम द्वारा किया गया। लॉकडाउन के नियमों एवं स्वच्छता मानदंडों का पालन करते हुए सफाई के साथ पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए 200 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया है। भोजन तैयार करने और वितरण के दौरान क्लब के सदस्य सामाजिक दूरी, मुंह ढकना और दूसरे स्वच्छता सावधानियां का कड़ाई से पालन किया। इस मिशन को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष राजन शर्मा, जिला महासचिव रितेश प्रजापति, धनंजय दास, अमरजीत साहू, प्रदीप दास, धनेश्वर दास, सिंह जी, श्वेता साहा और अन्य पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें धन की व्यवस्था, राशन एवं सब्जियों की खरीद, खाना बनाना, पैकिंग और समय पर वितरण शामिल हैं। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुंदरगढ़ जनरल सेक्रेटरी रितेश प्रजापति ने आसपास के इलाकों के लोगों से इन प्रयासों में शामिल होने और स्वयं इच्छा से आगे आकर मदद करने की अपील की है।